आधी आबादी कहे जाने वाले महिला वर्ग के सम्मान में आज पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर पटना सिटी के गुलजार बाग स्टेशन पर टिकट काउंटर से लेकर जीआरपी में महिलाएं तैनात देखी गईं, जहां महिला रेलवे कर्मचारी निष्ठापूर्वक अपने काम करती नजर आ रही हैं, वहीं हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को स्टेशन से रवाना करते भी नजर आ रही है। महिला साफ सफाई के काम में भी नजर आई। स्टेशन मास्टर के रूप में भी कार्य कर रही महिला का कहना था कि आज पूरे देश में महिलाएं हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। ऐसे में देश के सभी महिलाओं को सीख लेने की जरूरत है और उन्हें भी आगे बढ़कर काम करने की जरूरत है, ताकि वे सम्मानित हो और आगे बढ़ने का उत्साह मिले। साथ ही साथ लोगों से महिलाओं को सम्मान देने की अपील भी की है। आज हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और पुरुषों के समान कार्य कर रही हैं। महिलाओं को हर काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। हमारा इस देश है, महिलाओं को हर जगह क्रश किया जाता है, लेकिन फिर भी महिलाएं हर जगह हर क्षेत्र में आगे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैं रानी कुमारी, कमर्शियल। किसी से डरे नहीं, कोई परेशानी हो तो आगे आके बोले। और वैसे भी जनरली महिलाओं को परेशानी होती ही है, कहीं भी जाइए घर में बाहर में सब जगह परेशानी होती है। हम गुलजार बाग स्टेशन में गेटमैन हैं, और ये एक्चुअली ये तो गेट जो है वो बहुत समय से पुरुषों के अधीन था, लेकिन अब कुछ समय से हम महिलाएं भी काम कर रही हैं और हमें ये काम करके बहुत अच्छा लगता है। कुछ जेंट्स मतलब इधर जो लोकल वगैरह है ना, वो कभी कभी तो हम इतना इंकरेज डिस्करेज कर देते हैं कि काफ़ी अंदर से लगता है ना कि पता नहीं क्यों लोग महिला को इतना कम क्यों समझते हैं, लेकिन ये काम करने के बाद अंदर से जो संतुष्टि हमको मिलता है वो हम लोग समझ नहीं पाएंगे। और जहाँ तक बात है महिलाओं की, तो उनको आगे बढ़ना चाहिए हर क्षेत्र में। ज़रूरी नहीं कि वो ऊँचे पोस्ट पर ही हो तो ज़्यादा इज्जत की बात है, छोटे पोस्ट पर भी सही है, अच्छा लगता है काम करके। बस महिला को आगे आना चाहिए हर हाल में। अपना पक्ष बताइए मैम जी। नाम मेरा नाम पूनम कुमारी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।